गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बजिश के बारे में एक जबरदस्त वीडियो लाने वाले हैं, जो है कि जो नया वाला है, पुराना वाला है, सबके लिए है। देखिए वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बहुत सारा चीज आपको जानने में मिलेगा। कि देखिए, हम एक बात पहले ही बोलना चाहेंगे कि हम बहुत दिनों से, मतलब 12 साल तो मिनिमम 12 साल से बजिश पल जाए है, तो बहुत सारा देखिए प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है, तो उससे हमको बहुत सारा सीखते हैं बहुत कुछ। और कि क्या होता है कि प्रैक्टिकली जब हम करते हैं कोई कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कैसा होंगे, वो कैसा होंगे, ठीक है, कुछ कुछ जानकारी लेके बहुत हमसे भी बहुत सारा हमने भी मैंने सीखा है, मतलब बहुत सारा लोगों से सीख के। वो ऐसा नहीं है कि वो सब ऑल टाइम सही रहेंगे हमारे लिए, उसके लिए हो सकते हैं वो सही है, लेकिन हमारे लिए वो गलत हो सकते हैं, लेकिन वो ही हम दूसरी टाइप से भी कर सकते हैं वो सही होता है। तो क्या होता है कि देखिए, ये बहुत सारा प्रैक्टिकली मुझको सीख मिले है, तो वो हम किया चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो का पूरा देखिए, देखिए कि क्या होता है। बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कि देखिए ये हम आप देख सकते हैं बजिश का बहुत सारा एक मैंने मतलब बहुत बुरा एक चीज़ है कि एक वो लेस करते हैं, लेकर के बाद वो क्या होती है, हैच ठीक से नहीं होता है, हैच भी हो भी जाए पाछे अंडर हैच भी हो जाए कि वो बच्चा ठीक से बचाता नहीं, ठीक से फिट नहीं करता, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि देखिए, देखा जाए कि बच्चा हानी पे मटकी में बच्चा हो फिर भी फीमेल ने एग ले करता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है फेस करना पड़ता है, ठीक है। और चीज का तो मेन चीज तो चीज का ही होता है, डायरिया का प्रॉब्लम होता है, उसका ठंड लगने के बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक ये ठंड लगने के बारे में एक चीज बताना चाहेंगे। हमारा जो सीटअप आपको दिख रहा है, हमको एक बार हम आपको एक बार दिखाएंगे। देखिए ये हमारा जो सेटअप है, ये हमारा एकदम खुले में रखा हुआ है, मतलब ये छात में, हमारा छात में देख सकते हैं आप, चार साइड से खुला हुआ है, डायरेक्ट सन भी पड़ता है यहाँ से, और रात में एक बहुत ठंड होता है। देखिए ये अब तो ठंड का मौसम आ गया है, रात में बहुत ठंड होता है, बहुत मतलब वो बजिश का प्रॉब्लम हो सकता है। ये बोलता है बहुत सारा लोग कि ये आप बाहर में रखे है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन हम इस बारे में ही कुछ इस टाइप का बहुत सारा टिप्स आपको देने वाले हैं। ये क्या है, क्यों नहीं होता है, क्यों हम इसको कवर भी नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है, हम कभी भी नहीं किया है। तो इससे बात कि आप देख सकते हैं, हमारा जो बजिश है ये पूरा का पूरा बजिश जो है आप देख सकते हैं कि देखिए एकदम फेस एकदम हेल्दी है, साइज भी बहुत सारा अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले बोलना चाहेंगे कि कॉलोनी तो बजिश के लिए अच्छे है, जरूर अच्छा है, लेकिन उसमें कॉलोनी आप अगर कर लिया है, बड़ा से बड़ा कॉलोनी हो, देखिए हम इसका साइज एक बार बताना चाहेंगे आप। हम ये जो चौड़ा में है, चौड़ा में हम ये देख सकते हैं ये 8 फीट है, ठीक है, और इसका डीप जो है, डीप ऑलमोस्ट 3 फीट है, ठीक है, और हाइट भी 3 फीट, ऑलमोस्ट 3 फीट से करीब करीब 3 फीट 3 फीट होंगे, ठीक है, और ये 8 फीट है और हाइट भी 3 फीट है। जो भी हो, ये कॉलोनी में देखिए हम तो आप अगर चाहेंगे कि बहुत सारा बाढ़ आप रख सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं कि इसमें बहुत सारा बाढ़ हम रख लेंगे, बीट करेंगे, बहुत सारा बच्चा होंगे, हाँ हम बेचेंगे, पैसा होंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या करना चाहिए आपको, पेयर जो है इसमें मैक्सिमम 8 पेयर, मतलब हम क्या करते हैं इसमें मैक्सिमम 8 पेयर हमारे लिए, मतलब बजिश के लिए भी सही है, लेकिन वो बजिश बहुत सारा बहुत अच्छा होना पड़ेंगे। और ये होने के बाद भी देखा जाता है कि पहले पहले जब हम ये कॉलोनी किया है, ये कॉलोनी बनाए हैं हम रिसेंट बनाए हैं 2019 साल में ये 19-19 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर में हम लिख दिए 1995 में, तो जो भी हो, तो इसमें 8 पेयर हम रखे हैं। इसमें करने के बाद भी हमने बहुत सारा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा था कि फीमेल के साथ मारपीट कर रहा था, ठीक है, एक ले नहीं कर रहा था, इसमें एक का फर्टिलिटी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे रिकवर किया ये हम दिखाना चाहेंगे। तो पहले बोलना चाहेंगे कि ये जो हम केज बाहर में रखे हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है बाहर में रखे हैं, इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है, मतलब रात में जब ठंड होता है तब हम नहीं कवर करते इसको, लेकिन इसको प्रॉब्लम नहीं क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये दिन में रात में जैसा वो ठंड इसको लगता है,
लेकिन दिन में क्या होता है, इसका पूरा का पूरा धूप जो है वो डायरेक्ट इसमें आ जाता है, उसको वो इम्यूनिटी उसको मिल जाता है इससे, ठीक है। और देखिए देखा जाए तो जो हमारा जो ऑयल में मतलब बाहर जब जहाँ पे ये बर्ड रहता है ओरिजिनल में नेचर में वहाँ तो कोई भी कवर नहीं करते है ना, तो उसको नेचुरल प्रोसेस में रखा जाता है। और ऐसा नहीं होता है कभी भी, वो तो बजिस तो झुंड में रहता ही है तो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक जगह में बहुत सारा बार आ जाता है ना। हमारा जो केज का साइज है इस साइज में तो इतना सारा बार नहीं रहता है ना, रहता है वो आता है खाता है एक साथ सब कुछ ठीक है, एक साथ उठता है सब ठीक है ऑयल में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना होता है, आप बड़ा से बड़ा कॉलोनी दें उसको, उसमें जितना भी हो सके मिनिमम बर्ड रखे, मतलब बर्ड बहुत ज्यादा आपको बर्ड नहीं रखना है, इससे किंतु जिसका प्रॉब्लम होता है वो झगड़ा शांति मतलब जब एक ले करना चाहेंगे वो मारपीट करेंगे, फीमेल मारपीट करेंगे, ठीक है। और भी एक बात है, फीमेल मतलब फीमेल का ये जो मतलब जो बस का जो ठंड लगने के बारे में आपको पता ही है कि वो जो दिन में धूप मिल जाता है इसको इम्यूनिटी मिल जाता है, और गर्मी में भी देखा जाता है कि ये जो चारों साइड है ना, हम क्या क्या है आपको जरूर ये करना होंगे, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप बाहर में हमारा जैसा ऊपर शेड देके नीचे मतलब ये बना के स्टेज बना के एक केज बनाएंगे, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेंगे कि चारों साइड मतलब इस केज का देखिए सिर्फ जाली दिया है, क्योंकि जब गर्मी होंगे ये तो ठंडे के बारे में हम बताया, लेकिन जब ये गर्मी में भी तो इसको ठीक से बच्चा ले करना होगा ना, तो तब क्या होंगे ये जो चार साइड खुला हुआ है इससे विंड जो है मतलब हवा जो है हवा फिल पाएंगे, उससे उसका गर्मी उतना भी ज्यादा महसूस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इस चैलेंज में ही हमें एक वीडियो दिया हुआ है वो जो गर्मी में मतलब जो बाट का जो प्रोसेस है उसको भी हम दिखाए हैं, हम सर्च कर सकते हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो ये पूरा सीजन का ये क्या होता है, ये मतलब ऑयल जैसा इसका ना आ जाता है, इसका दिन में धूप मिलता है रात में ठंड मिलता है, उसको ऐसा सूख कर लेते हैं, ठीक है। और खाने के बारे में तो है ही, लेकिन अब आज हम खाने के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएंगे उससे। और एक बात कहना चाहेंगे हम, बहुत मतलब लोग कॉलोनी बीट करते हैं लेकिन उसमें क्या करते हैं गलती कर लेते हैं, वो प्यार लगते हैं मतलब पांच प्यार अगर लगते हैं वो पांच प्यार के साथ पांच फीमेल पांच मेल डाल देते हैं, है ना। तो ये तो बहुत मतलब गलत बात है, मतलब गलत मतलब क्या होता है प्यार का अपना मतलब आप अगर प्यार को प्यार करके देते हैं मेल फीमेल अगर सेम होंगे तो उसमें आपको प्रॉपर बीट कभी भी नहीं मिलेंगे, एकदम 100% हम लिख के दे सकते हैं, आप देख सकते हैं मिला के दे सकते हैं। कॉलोनी में मतलब पांच पेयर में मिनिमम दो पीस मेल ओनली मेल नो फीमेल, मतलब आपको फीमेल बर्ड एक्स्ट्रा कभी भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेल बर्ड मतलब दो पीस पांच पेयर में मिनिमम दो पीस, आप तीन पीस भी रख सकते हैं कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेंगे इसके लिए मेल, अगर आप तीन पीस मेल एक्स्ट्रा रखेंगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेंगे, या हम आपको लिख के दे सकते हैं, क्योंकि ये जो मेल का काम होता है मेल का काम देखिए फीमेल अगर आपको पहले हम बोलते हैं कि फीमेल को रखने से क्या प्रॉब्लम होंगे, देखिए फीमेल जो है एक्स्ट्रा अगर होंगे ना तो मेल के पाने के लिए वो मतलब मारपीट करेंगे एक फीमेल के अंदर ये हर मतलब प्रेसिस में ही होता है बाहर, मतलब आप देखा जाए तो आप ये बोलना हम नहीं ठीक है, लेकिन कुछ कुछ है ये मतलब फीमेल ज्यादा एग्रेसिव होता है मतलब ब्रीडिंग टाइम में तो बहुत बिल्कुल होता है, ठीक है। वो मतलब वो नेगोशिएट नहीं करते वो मतलब वो मारते हैं बहुत सारा, तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको मेल एक्स्ट्रा रखना चाहिए, मेल रखना से क्या होंगे फीमेल कभी भी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होंगे फीमेल का एक हैचिंग का ये जो मस्त तरीका है ये एक हैचिंग आपका प्रॉपर तरीके में होंगे, और क्या होंगे आपका एक्स्ट्रा कोई भी मेडिसिन बहुत सारा मेडिसिन विटामिन कैल्शियम ऐसा बहुत सारा यूज नहीं करना है, बस इसका आपको बहुत सारा विटामिन कैल्शियम ये नहीं यूज करना है हमको। हम तो अभी से बड़ा साल तो हम जस्ट बीट कर रहे हैं, लेकिन उससे भी आगे से हम पल रहे हैं, मतलब जब हम बहुत छोटा से तो हम दो प्यार एक प्यार करके जैसा होता है बच्चा लोग का जो शौक होता है तो ले आते हैं, लेकिन वो हम तो तब तो हमको पता नहीं था वो पहले बार था तो नहीं कर पाए, तो जो भी हो
तो हम 12 साल से बीट कर रहे हैं, प्रॉपर बीट कर रहे हैं। ये तो हमारा नया नया कैच बना है हमने 2019 साल में। लेकिन इससे भी पहले हमारे पास और भी एक कॉलोनी था, वो कॉलोनी में हम सही से नहीं बना पाए थे तो इसलिए वो खराब हो गए थे, लेकिन वो हम बेच दिए है। वो सही था, मतलब कंडीशन ठीक था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो एक हमारा आसपास ही लोकल में हमारा मतलब लोकल में एक दोस्त से हम उसको दोस्त जो थे वो उसको लेके रिपेयर करके उसमें बारो रख रहा है अभी भी जो भी हो। तो और भी पहले उससे भी पहले हमारे पास छोटा छोटा केस था, तीन दो का मतलब और भी बड़ा बड़ा केस था, उसमें हम बीट किए थे। तो देखिए हम 12 साल से बीट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कुछ भी ऐसा कुछ मेडिसिन मतलब विटामिन कैल्शियम यूज नहीं करते हैं। क्या होता है इसका बहुत ऑल टाइम आपको कोशिश करना है कि आपको फूड के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि फूड आपको बहुत सारा फूड देना है, बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा कुछ मतलब फीस वीस वगैरह देना है, ऐसा नहीं। आपको मेंटेन करना है, मतलब उसके जो सही क्वांटिटी है ना उसको आपको मेंटेन करना है। क्वांटिटी के बारे में हम और एक वीडियो बाद में बना देंगे, और भी है मेरे पास वीडियो, लेकिन और आगे भी हम एक वीडियो बनाने करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। जो भी हो तो आपको क्या करना है, मील आपको मिनिमम हम क्या करते हैं 5 पेयर में हम 3 मील 2 मील एक्स्ट्रा दे देते हैं। वो तो मीटिंग भी करेंगे और क्या होंगे, और एक अच्छी बात होंगे, जब आपका बच्चा निकलेगा ना वो बच्चा को वो मेल एक्स्ट्रा मिलना मीटिंग करने के लिए, वो समझेंगे वो इसका ही बच्चा है तो वो फिट कराएंगे। मतलब आपको अगर ज्यादा ज्यादा बच्चा आपको मिलेंगे, लेकिन कोई भी विटामिन कैसे आपको डालना नहीं पड़ेंगे, और उससे फीमेल आपका कभी भी बैठ के नहीं रहेंगे, फीमेल का कभी भी बैठ के नहीं रहेंगे, वो एक ले करते रहेंगे। और क्या बढ़ते हैं, 5 पेयर अगर आप लगेंगे 5 पेयर में मिनिमम 2-4 हंडी आपको ज्यादा दे देना है। ये तो सभी सबको ही पता है हरी हंडी देना ज्यादा पड़ता है, लेकिन इससे इसके बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखने में मिलता है। देखिए देखा जाए कि एक फीमेल होता है, ऐसा होता है कि कॉलोनी में कि बहुत मारपीट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को मार रहा है, मार के वो मतलब वो पलक मलक खून निकाल देता है, तो उसको आपको क्या करना है, तुरंत आपको उस फीमेल को कॉलोनी से बाहर करना कर देना चाहिए, क्योंकि वो फीमेल अच्छे नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि जो फीमेल सबको मार रहा है, मतलब जिस फीमेल ने सबको मार रहा है उसको ही आपको निकलना है। ऐसा नहीं है कि एक हंडी में एक फीमेल है उसको एक फीमेल ने मार दिया है आपको, तो उसको आपको निकलना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चिक्स हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं, तो उसको नहीं निकलना है। लेकिन देखिए अगर एक हंडी में देखा जाता है कि एक फीमेल ले किया है, उसको आप उसको उस फीमेल को और एक दूसरा फीमेल आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस डिस्टर्ब करने वाला जो फीमेल है उसको आपको तुरंत निकल देना चाहिए। थोड़ी देर वेट कर सकते हैं आप, लेकिन देखना है आपको कि क्या कर रहा है, उसके बाद आपको उसको निकल देना है। निकल देने के बाद आपको सिपाही रखना है, उसको आप एक काम कर सकते हैं, उस फीमेल भी बीट करेंगे, वो भी अच्छा बीट बीड़ा है, बीड़ा मतलब हर बार ही अच्छा बीड़ा होता है, हर फीमेल बार हर मेल बार सभी अच्छे बीड़ा होते हैं, लेकिन उसको दूसरा कॉलोनी आपको रखना पड़ेगा पड़ेंगे। और आप ऐसा भी हो सकता है अगर वो फीमेल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा फेस मैंने क्रिएट कर रहा है, तो उसको आपको सेपरेट केज में उसको बीट करवाना है, और अगर आपको बस सेपरेट केज नहीं है तो आप फीमेल को आप बाद में कुछ दिन बाद फिर से आप देकर मतलब कॉलोनी में छोड़कर देख सकते हैं कि वो ठीक हुआ कि नहीं, मतलब वो मारपीट बंद किया है कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम मारपीट करेंगे, वो ठीक भी हो सकते हैं, ऐसे भी होंगे, क्योंकि वो हंडी जो है हंडी उसका एक हंडी को बहुत सारा फीमेल चूज कर लेते हैं, मतलब चॉइस करते हैं, वो पसंद करते हैं वो, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। और मेल को आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हमको तो बताइए कि मेटिंग भी अच्छे से होंगे, मेटिंग करने से एक फीमेल को देखा जाता है कि दोनों फीमेल दोनों मेल मेटिंग कर सकते हैं, वो तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उससे अच्छा क्या होता है अगर देखा जाए कि देखिए एक बार अगर एक फीमेल ने चिक्स हैच किया है, चिक्स निकल रहा है, चिक्स बड़ा किया है, वो फीमेल थोड़ा सा बाद में जब अबार फिर से एग ले करते हैं ना, तो वो फीमेल तो फिट करना छोड़ देते, तो मेल ही फिट करवाता है, ठीक है। तो मेल फिट करने के लिए वो क्या होता है, मीटिंग ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैंने सेकंड टाइम मतलब सेकंड का जब स्टार्टिंग होता है जब, तब क्या होता है, दूसरी मेल जब आता है ना, दूसरी मेल उस फीमेल को मीटिंग करके उसका ब्रीड मतलब उसको एक एले करवाता है, तो उससे आपका ब्रीडिंग प्रॉपर तरीका से
होता है, इससे आपका चीक्स आपको अच्छा मिलेंगे, ठीक है। और फूड के बारे में तो आपको हम बाद में बताएंगे। और लेकिन आप और एक देखिए, और केज और एक बहुत माने मतलब ये आपको हो सकता है कि आपको मतलब आप एक मत मतलब हमारे साथ आपके साथ हमारे ये मतलब कमेंट मिल भी नहीं सकते, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर हम आप अगर केज का फ्लोर ये देख सकते हैं आप, फ्लोर आपको जब आपको आपका मतलब कॉलोनी में अगर होंगे तब आप कभी भी ये फ्लोर मतलब अगर चीक्स अगर हैच जस्ट हुआ है 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक भी हो सकता है, चीक्स अगर हनी में हो तब आप कभी भी ये फ्लोर आपको साफ नहीं करना है। मतलब देखा जाता है कि हाँ साफ तो हर रोज साफ करना चाहिए, अगर आप हर रोज मतलब सप्ताह में वीक में एक बार करते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी बहुत सारा लोग है कि वो महीनों से नहीं क्लीन करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि 2-3 माह महीने पहले जब जस्ट चिक्स हैच हुआ है दिखता है कि ये चिक्स हैच हुआ है, ये नूंगा बहुत सारा मैला है इसके अंदर, तो आप हम अभी फेस करते हैं मतलब क्लीन करते हैं, लेकिन वो तो बहुत गलती करते हैं। ये बहुत एक बड़ा ये होता है, वो माइट्स का अटैक होता है, इसलिए तो ये डिटेल्स में सुनिए क्या होता है कि जब आपका 2-3 महीने से आप अगर केज नहीं साफ करेंगे तो उसमें क्या होता है नीचे ना तो जर्म्स वगैरह माइट्स वगैरह बहुत सारा वायरस ना रहता है, तब आप जब ही चिक्स आपका हैच हुआ है तब आप अगर आप तब क्लीन किया केज को तो नीचे वाला जो जीवाणु होता है ना जीवाणु कीटाणु मतलब वायरस जो होता है ना वो उठ के ना वो बच्चे को अटैक कर सकते हैं। मतलब आपको हो सकता है आपको ये करना होगा कि आपको वीक में एक बार मतलब नहीं तो 2-3 दिन बाद एक बार क्लीन करना है, नहीं तो आपको क्लीन अगर नहीं किए तो बच्चे मतलब हैच होने के बाद भी आपको क्लीन नहीं करना है, इससे आपका चिक्स का मतलब वो जो फेदर प्रॉब्लम होता है फेदर नहीं उठते ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपको दिख रहा है ये एक प्रॉब्लम है, ये जो फीमेल है ना ये जो चिक्स से दिख रहा है पीठ में उसका फेदर नहीं, लेकिन ये माइस का प्रॉब्लम नहीं है, ये उठ सकते हैं, लेकिन इसका फीमेल मदर मतलब वो जो उसका जो माँ जो है मदर जो है उसको इसका प्लगिंग करके इसका फेदर उठा दिया था, लेकिन इस फेदर को बहुत जल्दी ये उठ जाएंगे, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है प्लगिंग प्रॉब्लम तो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल भी ऐसा ही नॉर्मल नहीं है, फीमेल का प्रॉब्लम होता है वो मतलब सॉल्ट का प्रॉब्लम होता है उसका सोडियम का डिफिशियंसी और कैल्शियम का डिफिशियंसी होने से कारण वो फेदर को काटते हैं, तो एक फीमेल का प्रॉब्लम है, तो उसको फीमेल को क्या करना है आपको अगर ठीक करना है तो फीमेल को आपको रेस्ट में रखना पड़ेगा, मतलब 1-2 महीना आपको फीमेल आप रेस्ट में रख सकते हैं, रेस्ट में रख के आपको कैल्शियम विटामिन अगर आप इस मेडिसिन यूज करते हो तो आप यूज करते हैं, उसके बाद आप फीमेल को फिर से भीड़ में देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो मेडिसिन नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं हम 1 फुट बहुत सारा देते हैं, 1 फुट एक डास एक मतलब एक का जो छिलका होता है वो सुखा के धूप में सुखा के ठीक है हम दे देते हैं, तो ऐसे तो हमारा बहुत सारा बार हम ठीक किया है, लेकिन बीट भी हमारा अच्छे से होता है, बीट के हमारा कैसे बीट होता है वो भी हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में, तो आप साथ देख लेना बाद में, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। और ये थोड़ा थोड़ा 2 पॉइंट आपको बताया कि केज जब क्लीन करना तो क्लीन करना के बारे में हमने जो बताया वो आपको फॉलो करना है, और मेल कॉलोनी में अगर बीट करना है कर रहा है आप मिनिमम 2-3 PR के 2 PR में 1 पीस मेल आपको एक्स्ट्रा देना है, देखिए आप देख सकते हैं फ्रंट में जो क्रिस्टेड मेल है व्हाइट वाला ब्लैक आई वाला ये हमारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और भी देख सकते हैं आप फिलो वाला जो मेल है ये जो फ्रंट में बैठा है हमारे लेफ्ट साइड में वो भी एक्स्ट्रा मेल है, ठीक है। आगे भी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का येलो फेस जो क्रिस्टेड बाजी से मेल है वो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। 3-4 बाजी से हमने एक्स्ट्रा देता है, इससे हमारा फीमेल कभी भी बैठा नहीं जाते, फीमेल अच्छा भी रहता है, फीमेल को वो जो एक्स्ट्रा मेल होता है ना वो फिट करके ना इसको बड़ा कर देते हैं, फीमेल को उतना भी मतलब वो जो क्या है प्रेशर नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। इससे बच्चा अच्छे होता है, देख सकते हैं आप हर बार हमारा फ्रेश एंड हेल्दी है। जो भी हो हम हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और भी लंबा नहीं करना चाहते हैं, अगर हम हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और भी आगे का वीडियो हम आप देखना चाहते हैं सीट के बारे में सीट का मतलब क्वान्टिटी के बारे में और हमारा जो ब्रीडिंग प्रोसेस हम आगे देंगे आपको, तो अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हम जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और आगे का वीडियो देखने के लिए और हमको सपोर्ट करने के लिए हमको हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले,
ठीक है, इससे पैसा भी नहीं लग रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है, आपको सपोर्ट करने के लिए। जो भी हो, थैंक यू, वीडियो हम यही भी खत्म करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी को हमसे रिक्वेस्ट है यही कि आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।